Assalamualaikum students, welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 4, Subject EVS, and our today's topic is Earth and its satellite. Okay friends, this is part 2. Friends, in our previous video, I have already explained you that what is Earth, okay, how we can live on the Earth. हमने ये सब देख लिया कि हम अर्थ पे कैसे रह सकते हैं, क्यों दूसरे प्लैनेट्स पे लाइफ नहीं है, ओके, ओनली अर्थ हैज़ लाइफ. तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, हम और आगे जाएंगे टुडेज एंड वी विल लर्न अबाउट अर्थ एंड इट्स सैटेलाइट. ओके, सो अर्थ द ब्लू प्लैनेट, अर्थ को हम द ब्लू प्लैनेट भी उसको बोलते हैं. ओके, अर्थ का दूसरा नेम अगर आप बोलोगे तो द ब्लू प्लैनेट. इट्स द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड फिफ्थ लार्जेस्ट एंड होम टू मिलियंस ऑफ स्पेसिस. फ्रेंड्स, ये जो अर्थ है, ओके, अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. सन जो है हमारे जो इन अवर यूनिवर्स, ओके, अर्थ इज ऑन द थर्ड नंबर पे अर्थ है. और सबसे लार्जेस्ट जितने भी प्लैनेट जितने भी है उसमें से जो हमारा अर्थ है, ओके, तो वो अर्थ फिफ्थ नंबर पे आता है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट. So, is a third planet from the sun and fifth largest and home to millions of species. The Earth is at the distance of 150 million kilometers from the sun. Okay? कितने किलोमीटर दूर है सन से हमारी जो अर्थ है वो? द अर्थ इज एट द डिस्टेंस ऑफ 150 million kilometers दूर है सन से. इट टेक्स 365 डेज फॉर द अर्थ. एज यू ऑल नो फ्रेंड्स, के जो अर्थ है हमारी वो सन के अराउंडिंग, ओके, ट्रैवल करती है. तो उसको कितने दिन लगते हैं? इट टेक्स 365 डेज फॉर द अर्थ टू ट्रैवल राउंड द सन. सन को एक राउंड लगाने में हमारी जो अर्थ है, इट टेक्स 365 डेज, मतलब के वन ईयर. द अर्थ एक्सटेंसिव मैग्नेटिक फील्ड्स एंड एटमोसफियर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन फ्रेंड्स एंड ऑफ द, ओके, हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन एंड अदर स्टार्स. जो हमारी अर्थ का जो एक्सटेंसिव मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, और उसका जो एटमोसफियर है हमारे अर्थ के सराउंडिंग, तो वो क्या करता है? हमको प्रोटेक्ट करता है. फ्रॉम विच, किससे प्रोटेक्ट करता है? फ्रॉम विथ, ओके, वो किससे हमको, किसके साथ? हार्मफुल रेडिएशन बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करता है. और किससे हमको प्रोटेक्ट करता है? वो हार्मफुल रेडिएशन, किसके हार्मफुल रेडिएशन होते हैं फ्रेंड? सन के. जो सन रेज होती है उसके जितने भी हार्मफुल रेडिएशन हमारे तक पहुँचते हैं उससे हमको जो हमारी अर्थ के आजू बाजू, ओके, उसके जो सराउंडिंग जितना भी एटमोसफियर है वो हमको उससे प्रोटेक्ट करता है. एक लेवल बना हुआ होता है, प्रोटेक्शन लेवल. द अर्थ इज रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड में वो 30 किलोमीटर ट्रैवल करती है जब वो सन के अराउंड ट्रैवल कर रही होती है. द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ रेंजेस फ्रॉम 127 डिग्री फेरनहाइट टू 136, ओके, फेरनहाइट. द अर्थ हैज़ ओनली वन सेटेलाइट कॉल्ड द मून. ओके फ्रेंड्स, यू हैव लिसन अबाउट मैनी सेटेलाइट्स, बट टूडे वी आर गोइंग टू टीच अबाउट द मून, विच इज़ द ओनली वन सेटेलाइट, ओके, एंड इट्स अ नेचुरल सेटेलाइट है ये, ओके, जो अपने आप कुदरती रीत से, जिसको हम बोलते हैं बाई गॉड, बना हुआ है. और एंड ऑलवेज टू रिमेंबर इट फ्रेंड्स, दैट अर्थ हैज़ ओनली वन सेटेलाइट. कितने हैं अर्थ के सेटेलाइट? वन एंड ओनली, ओके, सिर्फ एक ही है. और हम उसको क्या कॉल करते हैं फ्रेंड्स? द मून. एवरी वन हैज सीन मून? यस, वेरी गुड. आप सभी ने देखा है ना इन द स्काई एट नाइट, ओके, मून जो है वो कब निकलता है? इन नाइट, ओके, और वो स्काई पे कितने अच्छे से रात को चमकता है. बट क्या वो मून की जो लाइट है वो खुद की है? नहीं. हम इसी बारे में आज टॉपिक पे आगे जाएंगे, ओके. हम आज अर्थ के बारे में तो अभी तक हमने एक्सप्लेन देख लिया, ओके, एक्सप्लेनिंग देख लिया कि अर्थ क्या है, किस तरीके से सन के अराउंडिंग ट्रैवल करती है, एंड हाउ मेनी डेज ही ट्रैवल अराउंड द सन, ओके. तो अब हम नेक्स्ट आगे जो जाएंगे वो किसके बारे में हम एक्सप्लेनिंग देखेंगे फ्रेंड? हम वो एक्सप्लेनेशन जो है वो मून का देखेंगे, ओके. द अर्थ हैज़ ओनली वन सेटेलाइट कॉल्ड द मून. You can see this picture friends. What is this? This is the moon and it is satellite of earth. So natural satellite, okay, moon jo hai wo natural satellite hai. The moon is the earth's nearest neighbor because it is its satellite, so it is the earth's nearest neighbor.
इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, और वो क्या करता है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है. मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. ओके, हम बोलते हैं कि चांद जो है, मून जो है, वो कितना अच्छे से चमकता है, बट इट हैज़ नॉट. ओके, मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, उसकी खुद की लाइट नहीं है. इट शाइन्स बाय रिफ्लेक्टिंग द सनलाइट. सनलाइट का जो रिफ्लेक्शन मून पे होता है, उससे वो शाइन करता है. द मून इज़ अबाउट 4,500 मिलियन ईयर्स ओल्ड. हाउ मैनी मिलियन, ओके, हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड इज दिस? ओके, द मून इज़ अबाउट 4,500 मिलियन ईयर्स ओल्ड. The same age as the earth, because moon is the satellite of earth. So jitni hamari earth old hogi utna hi moon bhi old hoga. Okay, it is the natural satellite of the earth. Aur ye kaisa satellite hai friends, dusre kitne sare jo satellites hai space mein hamari universe mein add hue hai, lekin wo natural nahi hai. Okay, wo kaise hai, yahan se jo NASA है और इसी की तरह जितनी भी जो स्पेस शटल्स के लिए जो काम करती कंपनीज है जो है, उन लोगों ने वहाँ पर सेंड किए हुए हैं. लेकिन जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है, किसी ने उसको बनाया हुआ नहीं है. ओके, वो गॉड अल्लाह ने बनाया हुआ है. सरफेस ऑफ द मून, अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सरफेस ऑफ द मून, के उसका सरफेस कैसा है. द मून डज नॉट हैव एनी एटमोसफियर. ओके, वॉट इट फ्रेंड्स, मून डज नॉट हैव, उसके पास कोई एटमोसफियर नहीं है. दस इट इज़ हीट बाई मेटियर्स एंड रॉक्स मूविंग इन द स्पेसिस, और इसी वजह से उसके पास कोई, वी हैव एटमोसफियर. ओके, अर्थ हैज़ एटमोसफियर, और उसके पास जो एटमोसफियर का लेयर, उसकी वजह से हम क्या होता है, हमको वो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल, बराबर, जो हार्मफुल रेज है सन के, उससे हमको वो प्रोटेक्ट करता है. बट मून, मून डज नॉट हैव एनी एटमोसफियर फ्रेंड्स, सो दैट्स वाई उसका जो प्रोटेक्शन लेवल जो है वो बहुत कम है. सो क्या होता है, कहीं जो मेटियर्स होते हैं, मतलब कि जो टूटे हुए तारे होते हैं, रॉक्स मतलब कि जो पत्थर के टुकड़े ऐसे कुछ होते हैं, वो क्या होते हैं, स्पेस में मूविंग करते होते हैं, और इसी वजह से वो मून को हिट करते रहते हैं. दिस हैज़ रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रेटर्स एंड पिट्स ऑन द मून सर्फेस, और इसी वजह से वो मून के सर्फेस पर खड्डे कर देते हैं. ठीक है, क्योंकि मून के पास कोई भी एटमोसफियर नहीं है. द सर्फेस ऑफ मून इज़ अनइवन. ओके, मून जो है उसके पास इवन सर्फेस नहीं है. द सर्फेस ऑफ मून इज़ अनइवन. ओके, द मून डज नॉट हैव एनी एटमोसफियर, एंड मून के पास जो सर्फेस है इज़ ऑल्सो अनइवन. नो लाइफ ऑन द मून. सो फ्रेंड्स, आप क्या सोच रहे हो कि अगर मून पर लाइफ होती तो हम अपना वैकेशन यहाँ पर जाते, फार्म हाउस पर जाते? नो, हम कहाँ पर जाते हैं अपना वैकेशन स्पेंड करने के लिए? मून जाते हैं, है ना, मून पर जाते और अपना वैकेशन स्पेंड वहाँ पर जाकर करते हैं, वहाँ पर सेल्फीज लेते हैं और सबको शेयर करते, देखो हम तो मून पर गए थे. बट वी कैन डू इट? नो, वी कान. वाई? बिकॉज नो लाइफ ऑन द मून. मून पर कोई भी लाइफ नहीं है. नो लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वाटर एंड एटमोसफियर. बिकॉज अगर वहाँ पर एटमोसफियर ही नहीं है, ऑक्सीजन ही नहीं होगा, हाउ कैन वी ब्रीथ? और वहाँ पर वाटर ही नहीं होगा, देन हाउ कैन वी लीव अवर लाइफ? ओके, तो क्या है, no life exists on the moon due to why? Because absence of, okay, due to absence of water and atmosphere. The moon's gravity is 1/6 of the gravity on the earth. हमारी अर्थ पे जो ग्रेविटी है, जिस वजह से हम स्टैंड, ओके, स्ट्रेटली हम स्टैंडिंग अवेशन में खड़े रह सकते हैं, स्टैंड हो सकते हैं. हमारी जो सारी थिंग्स है, हमारे घर में जितनी सारी चीज़ें हैं, वो सही से है, वो किस लिए है? ग्रेविटी के लिए है. और मून की ग्रेविटी कितनी है? 1/6 है. ओके, अर्थ की ग्रेविटी से मून की ग्रेविटी 1/6 है ओनली. सपोज आपके पास एक रोटी है और वो चपाती के आप 6 पार्ट करते हो, तो वो पूरी चपाती जो है, वो ग्रेविटी अगर अर्थ की है, तो उसमें से जो आप 6 नंबर वाला जो एक पार्ट लेते हो, उतनी ग्रेविटी सिर्फ मून की है. देयरफॉर द ऑब्जेक्ट्स दैट आर टू हैवी ऑन द अर्थ, इसलिए जो ऑब्जेक्ट्स अर्थ पर बहुत ज़्यादा हैवी है, जो हम मशीन से जिसको एक तरफ से हमको साइड बाय साइड उसको दूसरी तरफ ले जा सकते हो, ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ऑन दी अर्थ आर 6 टाइम लाइटर ऑन द सरफेस ऑफ ऑन दी मून. वो क्या हो जाते हैं? 6 टाइम लाइट, मतलब उससे उसको 6 टाइम वो लाइटर हो जाते हैं जब वो ऑब्जेक्ट हो, अगर आप मून पे लेकर जाओ. एज देयर इज़ नो एटमोसफियर ऑन द मून, सो देयर इज़ नो प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग रेज ऑफ द सन. वहाँ पर एटमोसफियर नहीं है, इसलिए जो सन के स्ट्रॉन्ग जो रेज है, उससे भी हम प्रोटेक्ट नहीं हो सकते. सो फ्रेंड, यू कैन सी दिस इमेज. इन दिस इमेज, दिस इज अवर अर्थ एंड दिस इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, वन एंड ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, दैट कॉल्ड मून. ओके, ये अर्थ है फ्रेंड, जिस पे हम
रह रहे हैं, ओके, हम यहाँ पर रहते हैं, ओके, इस अर्थ पर रहते हैं। और ये जो सैटेलाइट जो दिख रहा है आपको, ये मून है, ये मून अर्थ का सैटेलाइट है, इसलिए वो अर्थ के सराउंडिंग, ओके, अर्थ के पूरे राउंड पे वो ट्रैवल करता रहता है डे एंड नाइट। इन दिस पिक्चर फ्रेंड यू कैन सी दिस इज सन, ओके, और ये हमारी अर्थ है एंड दिस इज द मून। तो ये जो सन है उसके सराउंडिंग कौन ट्रैवल करता है फ्रेंड? हमारी अर्थ, हम जिस पे रहते हैं अर्थ पे रहते हैं, वो अर्थ सन को पूरे तरीके से ट्रैवल करता है। और जो अर्थ है उसका सैटेलाइट है मून, और मून अर्थ के आजू बाजू उसको पूरे राउंड से उसकी ट्रैवल करता रहता है। गॉट इट फ्रेंड्स? आया समझ में? अर्थ किसके सराउंडिंग ट्रैवल करती है? सन के। और मून जो है वो अर्थ के सराउंडिंग ट्रैवल करता है। गॉट इट? ओके, गुड। लुक फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो यू कैन सी दैट आवर सैटेलाइट, ओके, अर्थ सैटेलाइट मून सराउंडिंग, ओके, अर्थ से क्या हो रहा है, वो सराउंड कर रहा है अर्थ को। गॉट इट फ्रेंड्स? सो आज हम अपना जो टॉपिक है द अर्थ एंड इट्स सैटेलाइट मून, ओके, वी विल ओवर हियर इट, के हम अब नेक्स्ट हमारा जो भी सेशन होगा उसमें नेक्स्ट हमारा जो ब्रिज कोर्स का टॉपिक होगा वी विल लर्न अबाउट इट, ओके। आज के लिए इतना ही है, आज हमने जो कुछ भी सीखा है आपको एक बार रिवाइज करना है और नोट डाउन करना है इन योर नोटबुक, ओके। स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।